नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएसपी देवेंद्र सिंह को कल दो मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। ये जो आतंकवादी थे, ये हिजबुल संगठन के आतंकवादी थे और इन आतंकवादियों को ये डीएसपी बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि साफ तौर पर अपने ही देश को दहलाने की साजिश ये डीएसपी रच रहा था। ऐसे में अब इस डीएसपी पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे जो देश में, हमारे देश में जो ऐसे आस्तीन के सांप पल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए। अपना जवाब, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इसी के साथ पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अब यह जो मामला है, यह एनआईए के हत्थे चढ़ गया है। इस मामले की जांच अब एनआईए की टीम यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस प्रकार से कार्रवाई करती है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास ये अधिकार है कि कोई भी अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार एनआईए के पास है। साथ के साथ एनआईए की टीम टेरर फंडिंग पर रोक लगाने में भी सबसे ज्यादा सक्षम मानी जाती है, और ये कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग का मामला माना जा रहा है, क्योंकि इस डीएसपी ने 12 लाख रुपए की डील की थी। जी हां, इन आतंकवादियों के साथ 12 लाख रुपए की डील की थी, तो ऐसे में एनआईए इसे कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के मामले से भी देख रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब इस डीएसपी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, सस्पेंड इसे कर दिया गया है, और इस डीएसपी से जितने भी इसे वीरता के पुरस्कार अब तक मिले हैं, वो सभी वीरता के पुरस्कार अब इस डीएसपी से छीन लिए जाएंगे। जी हां, आपको आगे बता दें कि ये जो डीएसपी है, ये कई मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता था आतंकवादियों के साथ साजिश रचने में। ये कई अलग अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता था और उनके माध्यम से ही इन आतंकवादियों के साथ वार्तालाप करता था, और ऐसा हो सकता है कि इसने कई बार जो है इसी प्रकार की डील की हो आतंकवादियों को बचाने के लिए। आपको बता दें कि डीएसपी का काम आतंकवादियों की ठहरने की व्यवस्था करना था। ये आतंकवादियों को ठहराता था, और दिल्ली और चंडीगढ़ इसके जो है कहीं ना कहीं मेन ठिकाने थे, जहां पर ये आतंकवादियों के ठहरने की व्यवस्था खुद पर खुद करता था। यानी कि अपने ही देश में ये जो है, जो आस्तीन के सांप जो ये पल रहा था, ये अपने ही देश में कहीं ना कहीं बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। ये अब हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे आस्तीन के सांप हमारे देश में अब भी पल रहे हैं। और आपको बता दें कि हमने कई खबर में ये आपके सामने प्रकाशित किया था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे आस्तीन के सांप पल रहे हैं जो लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। उसमें अब इस डीएसपी का नाम भी जुड़ गया है, और इस डीएसपी का नाम सिर्फ यहीं तक नहीं जुड़ा है। इस डीएसपी की अगर आप नजर डालें तो 2001 में संसद पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, संसद पर जब हमला हुआ था तो उसमें 14 लोगों की जान गई थी, और उस हमले का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था अफजल गुरु। अफजल गुरु के साथ भी इस डीएसपी के कनेक्शन सामने आए हैं। यह बात जो है, अफजल गुरु ने एक लेटर में बकायदा पोस्ट करी थी कि डीएसपी देवेंद्र सिंह कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़ा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है अफजल गुरु की भी मदद करने का काम डीएसपी देवेंद्र सिंह ने किया था। ये कहीं ना कहीं इस मामले पर फिलहाल जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीम भी इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार को एनआईए की टीम जो है इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से एनआईए की टीम जो है सही वक्त पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन आज ऐसी पूरी संभावना है कि एनआईए की टीम इस मामले की पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगी। वहीं आपको आगे बता दें कि ये जो ये हिजबुल के साथ, तो ये हिजबुल के जो आतंकवादी थे उनके साथ तो इसे गिरफ्तार किया ही गया। आपको बता दें कि ये आर्मी बेस के बगल में अब एक घर बनवाने का काम कर रहा था। ये डीएसपी आर्मी बेस के बगल में ही घर बनवाने का काम कर रहा था। इसके जो बेटे हैं, एक इस डीएसपी की लड़की है जो कि बांग्लादेश में अपनी पढ़ाई कर रही है, और एक इसका बेटा भी है जो और कहीं पर नौकरी कर रहा है, और ऐसे में फिलहाल जो है इसके घर
पर कोई भी नहीं रहता है, लेकिन इसके में इसके जो हालात अगर देखें तो इसकी जो साजिश ये रच रहा था ये वो था कि आर्मी बेस के बगल में ये अपना एक घर बनवा रहा था। अब आप यकीन मानिए कि जहां ये अपने ही देश में आतंकवादियों के ठहरने की व्यवस्था कर सकता है, तो ये जो ये घर बनवा रहा था भारतीय सेना के बेस के पास, तो वहां पर उस घर में भी ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के ठहरने की मदद कर सकता था। ऐसे पूरी तरीके से आप कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसने आतंकवादी गतिविधि की है ये कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि इसने कई जगह ऐसे ठिकाने बना रखे होंगे जहां पर ये आतंकवादियों के ठहरने की व्यवस्था लगातार करता रहा है। आगे आपको बता दें कि 1990 तक इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो काफी सही रहा था। 1990 तक ये जो है अपने देश भक्ति वाली वाली जो भावना थी वो कहीं ना कहीं दिखाता था, लेकिन 1990 के बाद इसने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। 1990 की जब ये बात है तो इसने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन किया था। इसमें इस जो है डीएसपी की खूब वाहवाही हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। और ये जो अब तक बचता रहा है उसका कारण ये है क्योंकि इसका 1990 वाला ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा देखा जाता है, लेकिन अब 1990 का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। जो 2001 में संसद पर हमला हुआ था वो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, और जो अब ये हिजबुल के जो मोस्ट वॉन्टेड कमांडर, जो मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनके साथ इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है अब ये सब देखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये साफ तौर पर ऐलान किया है कि इस डीएसपी के साथ बिल्कुल आतंकवादियों जैसा व्यवहार ही किया जाएगा। और आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, भारतीय सेना किस तरीके से आतंकवादियों का ट्रीटमेंट करती है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आगे आपको बता दें कि ये जो है जो ये जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी पकड़े गए हैं इनका इनकी जो साजिश थी वो ये थी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, यहाँ पर ये बड़ा हमला करना चाहते थे। ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ये आतंकवादी बड़ा हमला करना चाहते थे, और यहाँ पर बड़ा हमला करने की जो है मदद ये डीएसपी कर रहा था। तो ये आप यकीन मानिए कि कैसे कहीं ना कहीं जितने भी ये अटैक होते हैं आपने देखा होगा कि कई हमारे देश के वीर जवान शहीद हो जाते हैं, तो ऐसे में आप ये मानकर चल सकते हैं कि हमारे देश में कुछ और ऐसे आस्तीन के सांप ज़रूर होंगे जो इन आतंकवादियों की मदद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी आतंकवादी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो भारतीय सेना पर सामने से हमला कर सके। कहीं ना कहीं हमारे देश में ही कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो इन आतंकवादियों की इस तरीके से मदद कर देते हैं। भाई आगे आपको बता दें कि ये जो आतंकवादी थे ये सर्जिकल स्ट्राइक और धारा 370 हटने से बौखलाए हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक आपको अच्छी तरीके से याद होगी, 2016 में भारतीय सेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। पहले पाकिस्तान की तरफ से उरी अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए थे, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी जिसमें कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट भारतीय सेना ने उतार दिया था। उसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करी थी। इसके बाद से ही ये बौखलाया हुआ था। बौखलाहट तब और ज़्यादा बढ़ गई जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और धारा 35 से हटा दी गई। उसके बाद इनकी बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ गई और ये खुलेआम साजिश रचने लगे आतंकवादी कि भारत पर हमला करना है, दिल्ली को दहलाना है, जम्मू कश्मीर को दहलाना है, चंडीगढ़ को दहलाना है, पंजाब को दहलाना है। ये साजिश जो है ये आतंकवादी रच रहे थे, लेकिन ऐसे में ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या जम्मू कश्मीर की सेना हो, हमारी सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से सतर्क है। इसी वजह से जो ये इतना बड़ा जो हमला जो है वो कहीं ना कहीं टल गया। और ये जो डीएसपी है जो कि इन आतंकवादियों की मदद करने का काम कर रहा था, ये डीएसपी रंगे हाथों पकड़ा गया। अब इस डीएसपी से आपको फिर बता दूं कि वीरता का पुरस्कार जो भी इसे मिला है वो वीरता का पुरस्कार इससे अब छीन लिया जाएगा, इसे सस्पेंड कर दिया गया है और एनआईए अब इस पर कार्रवाई करेगी। एनआईए की ताकत में मोदी सरकार ने इजाफा किया था जिसके मुताबिक ये है कि एनआईए की टीम खुलकर जो है अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। एनआईए के पास ये भी अधिकार है
कि वो अपनी कार्रवाई करने के लिए विदेश तक जा सकती है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ये एक अहम बदलाव हुआ है। इसका बिल जो है पहले लोकसभा में लाया गया, फिर राज्यसभा में लाया गया, हर जगह से ये बिल पास हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति से भी इसकी मोहर लग गई, क्योंकि देश की सुरक्षा को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया था और एनआईए के हाथ में ये मजबूत सी कह सकते हैं कि एक नायाब शक्ति जो है एनआईए को मोदी सरकार ने दी थी। तो अब इसी नायाब शक्ति का फायदा जो है एनआईए की टीम उठाएगी और इस डीएसपी से उसी तरीके का ट्रीटमेंट करेगी जिस तरीके से एनआईए ने बाकी आतंकवादियों का किया है। एनआईए की टीम ने कई आतंकवादियों की संपत्ति अब तक जब्त की है, कई आस्तीन के सांपों की भी संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा टेरर फंडिंग के मामले अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में अब काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। पहले टेरर फंडिंग बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब जब से एनआईए की टीम सक्रिय हुई है तब से आतंकवादी गतिविधि और टेरर फंडिंग में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही ट्रीटमेंट अब इस डीएसपी का भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस मामले पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक इस खबर को जरूर पहुंचाएं। शेयर करने के तमाम ऐसे माध्यम हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप अपने मनोरंजन के लिए जरूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन देश की जनता को जागरूक करने के लिए भी आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देशभक्ति से जुड़ी, देशहित से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वक्त पर आपको हर खबर लगातार मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।